तो यार आपको डेली 10K के आसपास यहाँ पे ट्रैफिक मिलने वाला है। ओके, हाउ टू गेट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। ओके मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है। यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात करो, सोशल ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा। अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया तो आपको यहाँ पे ट्रैफिक की जरूरत है। ट्रैफिक आएगा तो अर्निंग यहाँ पे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। अगर अभी तक गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला, ट्रैफिक मिलेगा तो यार गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो इसलिए आपने ट्रैफिक लेके आना, किसी भी तरह आपने ट्रैफिक लेके आना। जो तरीका मैं आपको बताना लगा हूं, अगर इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो यार ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, आपको मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे मेन इशू मैं बता दूँ, 1 से 2 मंथ आपके लग जाएंगे 10K पर डे ट्रैफिक आने में। डेली आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा, ऐसा ऐसा आपका ट्रैफिक यहाँ से यहाँ आता जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा यहाँ से यहाँ तक फिर टॉप पे चला जाएगा। तो कोई इशू वाली बात नहीं, बस इस ट्रिक को फॉलो करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन टिप्स को फॉलो करते रहो। ओके, चलो यार बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करें। लेकिन उससे पहले यही कहूँगा, चैनल पर पहली दफ़ा आए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यार मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपके भाई को भी मोटिवेशन मिलेगा, आपका भाई आपके लिए इस तरह की वीडियोज लेके आएगा, आपके भाई को कॉन्फिडेंस मिलेगा थोड़ा बहुत, तो आपको भाई आपके लिए इस तरह की बहुत सारी वीडियोज लेके आएगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। इस सब्सक्राइब के बटन को चाहे तोड़ दो या फिर छोड़ दो, या चाहे आग ही लगा दो, मुझे कोई इशू नहीं है, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलो यहाँ पे वीडियो शुरू करें, मैं आपको बताऊँ हाउ टू गेट ट्रैफिक। तो यार आपको डेली 10K के आसपास यहाँ पे ट्रैफिक मिलने वाला है। ओके, आपने कैसे ट्रैफिक जनरेट करना वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यस्टरडे का ट्रैफिक मेरा था 9022। ओके, अगर यहाँ पे टुडे का मैं रिफ्रेश करके अभी आपको दिखा दूँ, 5 मिनट पहले मैंने ओपन किया था इसे, देखो यहाँ पे 7371 यहाँ पे ट्रैफिक है टुडे का। ओके, यानी कि 7300 प्लस ट्रैफिक मुझे आ चुका है अभी तक। ओके, अभी ये पूरा दिन नहीं हुआ, 24 hours कंप्लीट हो गए, उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा। मेरे ख्याल से ये 9 से 10 हज़ार पे चला जाएगा, क्योंकि एवरेज यही निकल रही है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि आपने ये ट्रैफिक कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। देखो यहाँ पे अगर आपको दिखा दिया जाए तो ट्रैफिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, ये आर्टिकल्स है, पोस्ट है जिन पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो ये ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है मैं आपको बता दूँ, सारे का सारा ट्रैफिक जो है ये आ रहा है गूगल की सर्च से। वो कैसे आ रहा है, आपने कैसे लेना है, यही आपको वीडियो में बताने लगा हूँ। वीडियो आपने पूरी देखनी है मेरे भाई, वीडियो को स्किप नहीं करना। ओके, चलो यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने क्या काम करना है, आपने आ जाना है गूगल पे, यहाँ पे आके सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हो तो चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर दो, साथ में अपने बेल आइकन को प्रेस करके आल के बटन में प्रेस कर दो। ओके, यहाँ पे मैंने परसों गिव अवे किया था होस्टिंग का। ओके, टॉप 5 होस्टिंग मैंने यहाँ पे गिव अवे किया, 5 वेब होस्टिंग गिव अवे किया। ओके, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया यहाँ पे जाके अभी से कर दो, क्योंकि 10 days के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, 5 बंदों को फ्री में होस्टिंग दे दी जाएगी। ओके, अगर आपने नहीं किया तो कर दो, अदरवाइज नेक्स्ट भी ऐसे गिव अवे मैं करता रहूँगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आल के बटन पर प्रेस कर देना, नेक्स्ट वीडियो आप तक आ जाएगी। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने ट्रैफिक कैसे गेट करना है। देखो, सपोज आप आ जाते हो गूगल की सर्च में, यहाँ आने के बाद देखो आप टाइप करते हो हाउ टू हाइड मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, या फिर इंस्टाग्राम मैसेजेस लिख लो, इंस्टाग्राम इतना लिखते हो ना इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे देखो नीचे सजेशन में आपको कीवर्ड देखने को मिल गए। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, हाउ टू हाइड मैसेजेस लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे नीचे सजेशन मिल गए। ये जो कीवर्ड है ना, अगर आप लोग ये कीवर्ड यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे आपका आर्टिकल रैंक होगा, ठीक है। ये जो कीवर्ड है लोग सर्च कर रहे हैं, इन कीवर्ड्स को यूज़ करोगे तो आपका आर्टिकल रैंक होने के चांसेस है। देखो यहाँ पे आपके भाई का सबसे ऊपर तो कोई वीडियो है, यहाँ ये भी मेरी वीडियो है, ये भी मेरी वीडियो है। नीचे देखो यहाँ पे आता हूँ 3rd नंबर, पहले ये आर्टिकल, दूसरा ये आर्टिकल, 3rd नंबर पे मेरा आर्टिकल है, कोरा के ऊपर ही आर्टिकल है, ठीक है। ये आर्टिकल है आपके भाई का, यहाँ पे इसे ओपन करके दिखा दूँ, देखो प्रो ब्लॉगिंग टिप्स आपके भाई का चैनल है। ओके, देखो वेबसाइट भी आपके भाई की है, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आ रही है, ऊपर देख लो डोमेन कौन सा, फ्री डोमेन है। ओके, .blogspot.com, haptimesofficial.blogspot.com, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी शो हो रही है और ये आर्टिकल भी आपको देखने को मिल रहा है। आर्टिकल तो यार आपको मैं बता दूँ, आर्टिकल आप लोगों ने क्या काम करना है, 1000 words से ज़्यादा का आर्टिकल लिखना है, तभी आपका आर्टिकल रैंक होगा। कई दफ़ा क्या होता है, आपको आर्टिकल ज़्यादा लंबा लिखना पड़ता है। सपोज़ यहाँ पे अगर मैं रैंक करना चाहता हूँ, हाउ टू हाइड मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम टाइप किया, सपोज़ ये पहले नंबर पे ये आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसके टॉप पे रैंक करना, कुछ दिन में मेरा आर्टिकल रैंक हो जाएगा। अगर सपोज़ मैं चाहता हूँ इसके टॉप पे रैंक करना, मैं क्या करता हूँ, इस आर्टिकल को ओपन करता हूँ, इस आर्टिकल के अंदर आके मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखो
मैं ये देखूंगा कि इस बंदे ने कितनी इमेजेस यूज़ किया है, एक दो, ये GIF इसने यूज़ किया, तीन चार पाँच छः, यानी तीन इमेजेस इसने यूज़ किया, तीन GIF यूज़ किया है। उसके अलावा इस बंदे ने क्या किया है, टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ, ठीक है। अगर मैं क्या काम करता हूँ, 4 इमेजेस यूज़ करता हूँ अपने आर्टिकल के अंदर और यहाँ पे 4 GIF यूज़ करता हूँ, तो मुझे भी यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रैफिक मिल सकता है। लेकिन मैंने अभी तक यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़ की है, 4 चीज़ें यूज़ की है, ठीक है। अगर मैं उतना ही यूज़ करूँ जितना इसने यूज़ किया या इससे ज़्यादा करूँ, तो वर्ड भी मैं इससे, ये जो वर्ड इसने टाइप करके रखे है ना आर्टिकल, जितने वर्ड का लिखा है, इससे ज़्यादा वर्ड का ये आर्टिकल मैं अपना कर दूँ, तो मेरा आर्टिकल गूगल की सर्च में इससे भी ऊपर रैंक करेगा। देखो यहाँ पे जहाँ पे ये आ रहा है, इससे ऊपर मेरा आर्टिकल रैंक करेगा, टॉप 1 पोजीशन पे मेरा आर्टिकल आ जाएगा। ये सीन होता है गूगल पे रैंक करने के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या काम करना है मेरे भाई, मैं आपको बता दूँ, आपने चले जाना है कोरा के ऊपर। यहाँ पे मेरा इस अकाउंट पे कोरा है, कोरा पे आपने चले जाना है, कोरा.com पे। यहाँ पे कोरा.com को ओपन कर लिया, साइड पे आपने पिंटरेस्ट को ओपन कर दिया, ठीक है। दो टैब जो है आपने ओपन कर देना, medium.com अगर आपको मिले तो वो भी आप करना चाहो तो medium.com भी आपने ओपन कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं मीडियम, इतना काम मीडियम पे नहीं करता, तो इसे ऐसे ही रहने दो, मेरा अकाउंट भी इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, तो मैं इस पे ज़्यादा काम नहीं करता। यहाँ कोरा पे आ जाओ, आपने मीडियम पे कर देना, ओके। इसी तरह से होता है, आपको पता ही है मीडियम कैसे यूज़ करना आपने। यहाँ कोरा पे आ गए, यहाँ आके देखो आपने क्या काम करना है। यहाँ पे जिस आर्टिकल पे आप काम करना चाहते हो, देखो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ हाउ टू डाउनलोड पबजी मोबाइल। यहाँ मैंने ये कीवर्ड लिखा तो देखो यहाँ पे आर्टिकल आ गया। यहाँ इनका आंसर अगर मैं करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं आ गया इस क्वेश्चन के ऊपर। अगर मैं आपको पूरी तरह से बताऊँ तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ आके मैं अपना आंसर दे देता हूँ, ठीक है। डाइट योर आंसर, यहाँ मैंने आंसर क्या दिया, मैंने पूरा अपना आर्टिकल के अंदर गया, आर्टिकल में से मैंने थोड़ा सा टेस्ट कॉपी किया। देखो यहाँ ये मेरा आर्टिकल था, ये यहाँ मैंने थोड़ा सा टेस्ट कॉपी किया, सपोज यही मेरा आर्टिकल है, तो मैंने यहाँ टेस्ट कॉपी किया, यहाँ पे ला के टाइप कर दिया, ठीक है। यहाँ टाइप करने के बाद नेक्स्ट मैंने क्या काम किया, मैंने अपना कीवर्ड बोल्ड कर रखा है, इस कीवर्ड को सिलेक्ट किया, लिंक पे आ गया और यहाँ पे आके अपना लिंक दे दिया। सपोज मैं यही लिंक देना चाहता हूँ, मैंने क्या काम किया, लिंक दे दिया, फुटनोट पे प्रेस किया, ये फुटनोट बन जाएगा, देन मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपने कोरा पे जाके अपने रिलेटेड आर्टिकल के रिलेटेड क्वेश्चन ओपन करने हैं, उसके अंदर उनके आंसर करने हैं। तो आपको यहाँ पे आपके क्वेश्चन के आंसर के अंदर आपका लिंक है, आपको बैक लिंक मिल गया। एक तो आपका ये क्वेश्चन कोरा के अंदर भी शो होगा, कोरा की वजह से गूगल की सर्च में आएगा। जैसा कि ये देखो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हाउ टू हाइड मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, मैंने सर्च किया, देखो यहाँ पे कोरा का आर्टिकल आ गया। कोई भी सर्च कर लो, देखो नीचे भी कोरा है, कोई भी चीज़ यार सर्च कर लो, कोरा के ऊपर आपको मिली जाती है। देन यहाँ पे इसके थ्रू आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी जा सकता है, ओके। यहाँ पे इन्होंने बैक लिंक वगैरह दे रखे होते हैं, तो इनके थ्रू आपकी वेबसाइट के ऊपर भी ट्रैफिक वगैरह जा सकता है, ओके। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पिंटरेस्ट की, तो आपने, मैं अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में इसके ऊपर वीडियो ले आऊँगा, इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर कहोगे तो क्वारा के ऊपर डिटेल में वीडियो आएगा, पिंटरेस्ट कहोगे पिंटरेस्ट पे डिटेल में वीडियो आ जाएगा। उसके बाद पिंटरेस्ट पे आ जाना, आपने पिंटरेस्ट के ऊपर अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद प्लस आइकन पे आ गए, क्रिएट पिन पे आ गए, यहाँ देखो सेव फ्रॉम साइट पे प्रेस किया और यहाँ अपना कीवर्ड एंटर कर दिया, एंटर किया, यहाँ आपके आर्टिकल के अंदर वाली इमेजेज आ गई। तो यहाँ पे आपने इस इमेज को यूज़ कर लिया, किसी भी एक इमेज को यूज़ कर लो। यहाँ आपने अपना मेन कीवर्ड टाइप कर दिया हाउ टू हाइड मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम। उसके बाद आपने क्या काम किया, यहाँ पे चलेगा अपने आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल के अंदर से थोड़ा सा टेस्ट आपने कॉपी कर लिया और यहाँ पे ला के पिंटरेस्ट की इस वाले टेस्ट बार पे आपने ऐड कर दिया। देन देखो यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया, जो भी आपकी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट करके आपने सेव के बटन पर प्रेस किया, बोर्ड बना लेना आपने। अगर कहोगे एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है, ये आपके आ गए, सीट नाउ पे प्रेस किया, ये मेरा लिंक हो गया, ठीक है। अब कोई बंदा अगर गूगल पे सर्च करता है, पिंटरेस्ट के थ्रू भी मेरे आर्टिकल के ऊपर वो जा सकता है, यहाँ पे क्लिक करेगा तो देखो यहाँ पे मेरा आर्टिकल उसके सामने आ गया, मुझे बैक लिंक मिल गया, उसके अलावा गूगल के एड्स भी यहाँ डन हो रहे, अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी इससे। तो इस तरह से आप ट्रैफिक ले सकते हो। ये थे वो सोर्स जिनके थ्रू मैं ट्रैफिक लेता हूँ अपने आर्टिकल को गूगल पर रैंक करता हूँ। आप लोग भी अपने आर्टिकल को इन्हीं के थ्रू गूगल के ऊपर रैंक करवा सकते हो। आई होप यार आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपका काम हो गया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से आपके भाई को मोटिवेशन मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब भी कर दोगे तो यार आपके भाई को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो कॉन्फिडेंस मिलेगा तो टाइम टू टाइम और भी वीडियोज इस तरह की आती रहेगी।
कोई इशू वाली बात नहीं, पर्सनली कोई बात करनी है, कोई इशू फेस करना पा रहा है तो यार बाइक के इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो, मैसेज करो। यहाँ पे इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा ProTechTips1 के नेम से। काफ़ी लोगों को रिप्लाई मिल जाता है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको रिप्लाई नहीं मिलता, उनके लिए यार मैं सॉरी फील करता हूँ, सॉरी कहता हूँ एडवांस में, क्योंकि यार मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग में काफ़ी कम मैसेजेज आते थे जिनका रिप्लाई करना ईजी होता था। अब अपने काम को भी लेके चलना और यहाँ पे आपकी हेल्प भी करनी है तो यार काफ़ी लोगों को मैसेज नहीं कर सकता, किसी किसी का रिप्लाई कर देता हूँ लेकिन हर किसी का नहीं होता। ओके मेरे भाई, इसके लिए सॉरी। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ इंस्टाग्राम पर लाइव भी आया करूँगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व किया करूँगा, आपको बता दूंगा जब मैंने लाइव आना होगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यार आपके भाई ने देखो क्रिप्टो करेंसी आपको नज़र आ रही होगी, क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में अपना स्टेप बढ़ा लिया, काफ़ी इन्वेस्ट कर दिया। आपको भाई अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहेगा कैसे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आपने अपने 100 को 1000 में कन्वर्ट करना है और हज़ारों को लाखों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, करोड़ों की बात अभी नहीं करते, लाखों में कैसे कन्वर्ट करना है, जहां तक हमारी यहां पे पहुंच है उतना ही आपको बताते हैं कैसे आपने लाखों में कन्वर्ट करना है हज़ारों को। तो चलो यार, उसके लिए अलग से चैनल है, इस चैनल पे आपको नहीं बताऊंगा, अलग से चैनल है, ProTech Tips के नेम से चैनल है। तो जाओ यार, उस चैनल का लिंक नीचे मिलेगा, जाओ वहाँ पे भी सब्सक्राइब करो, क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेगी, आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अगर कमाना चाहते हो, अदरवाइज जाने देना कोई इशू नहीं है।